चलो ठीक है। देखो हम लोग को क्या पढ़ रहे हैं, केमिकल रिएक्शन पढ़ा है, तो केमिकल रिएक्शन में बाबू केमिकल इक्वेशन आना चाहिए। तो केमिकल इक्वेशन कैसे लिखा गया बाद में हम लोग सीखेंगे, ये कैसे लिखा गया सर कार्बन ऑक्सीजन को, ये सब में कुछ कुछ आपको ध्यान रखना है। कुछ कुछ हम लोग जो टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन पढ़ाएंगे ना, कमीरेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डबल डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट है ना, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, तो उसमें आपको कुछ कुछ आइडिया मिल जाएगा ना, वहां से हम लोग सोल्व करेंगे कि कैसे बनता है। अभी आपको क्या किए बना उना के दे दिए, अभी क्या किए केमिकल इक्वेशन बना के दे दिए, और कहा गया है इसको बैलेंस करो, इसको क्या करो बैलेंस करो। तो बैलेंस हम लोग क्यों करते हैं वो बताया था, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मास होता है ना, क्या होता है मास हमेशा कंजर्व रहता है, जितना साइड जितना मास रिएक्टेंट साइड का उतना ही क्या होना चाहिए प्रोडक्ट साइड का होना चाहिए ना, तो मास क्या होता है कंजर्व होता है ना। तो इसको आपको केमिकल इक्वेशन एग्जाम में दिया हुआ रहेगा और इसको कहेगा बैलेंस करना। बैलेंस कहने का मतलब क्या होगा, सबसे ऑन करो जी, एन सोचे ऑन करो जी, बैलेंस कहने का मतलब ये जितना आइटम इधर है हर एक एलिमेंट का उतना ही आइटम इधर होना चाहिए है ना, उसी एलिमेंट का, जैसे इधर कार्बन का एक एटम तो इधर भी कार्बन का एक एटम, ऑक्सीजन इधर दो एटम यहाँ एक एटम है ना, तो नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट साइड और नंबर ऑफ एटम प्रोडक्ट साइड क्या होना चाहिए बैलेंस होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तब हम लोग कहेंगे केमिकल इक्वेशन मेरा क्या बैलेंस है, बैलेंस है ना। अब कैसे करेंगे, अब 10 मिनट शांति से सीखना, अब लिखना उखना कुछ नहीं है ना। दो मेथड से करेंगे बाबू, एगो हीट एंड ट्रायल मेथड है, लेकिन हीट एंड ट्रायल मेथड जैसे छोटे का क्वेश्चन रहेगा ना, सबसे अनाउन करो ना जी, छोटा वाला क्वेश्चन रहेगा तो हीट एंड ट्रायल से बन जाएगा, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आएगा तो कितना रखोगे, एक करोगे दो करोगे कितना करोगे, थक जाओगे करते करते ना, है ना। तो हम लोग दोनों मेथड सीखेंगे है ना, दोनों मेथड सीखेंगे। फर्स्ट नंबर आप लोग कैसे लिखना, क्वेश्चन लिख लिया है ना, फिर अब वहां से वन नंबर का सोल्यूशन स्टार्ट करना है ना, क्या है सर सी बाबू प्लस ओ टू क्या बना ले, कार्बन मोनोऑक्साइड बना हुआ, ठीक है। तो फर्स्ट मेथड क्या करेंगे बाबू, फर्स्ट मेथड हम लोग दोनों मेथड करते चलेंगे है ना, दोनों मेथड करते चलेंगे ठीक, और धीरे धीरे एंसर जिताउन करेगा जी, बीपी हाई करवा देता है। फर्स्ट मेथड मेरा कौन सा, हीट एंड ट्रायल है ना, फर्स्ट मेथड क्या हीट एंड ट्रायल, तो इसी से सीखेंगे है ना, कैसे करेंगे हीट एंड ट्रायल मेथड, समझते चलना, ये तो आसान है बाबू, हीट एंड ट्रायल मेथड है ना ठीक। तो आपको बताए थे बाबू हीट एंड ट्रायल मेथड में बताए थे बाबू, सबसे पहले हम लोग किसको बैलेंस करेंगे, शांति समझना, हीट एंड ट्रायल मेथड में सबसे पहले किसको बैलेंस करना, मेटल को है ना, पहले प्रोसेस जो स्टेप्स होगा बाबू है ना, सबसे पहले मेटल बैलेंस होना चाहिए, लिखा था ना जी, किसको बैलेंस करना मेटल को, फिर नॉन मेटल बैलेंस करना तरीका ऐसा, और उसके बाद फिर ऑक्सीजन बैलेंस करना, और फिर हाइड्रोजन बैलेंस करना, ये बैलेंस करने का क्या प्रोसेस है, पहले मेटल बैलेंस होना चाहिए, फिर नॉन मेटल, फिर ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन इस तरह से सिक्वेंस ऑर्डर में क्या करोगे बैलेंस करोगे, ऐसे रूप से अनाउंस करो ना वीडियो जी ठीक है। अब मेटल नॉन मेटल होगा कैसे सर, कैसे पहचानेंगे, तो कुछ कुछ आपको आइडिया अपना डेवलप हो जाएगा है ना बाबू, पीरियोडिक टेबल देखे हो, देखो दिखाते हैं पीरियोडिक टेबल में बाबू मेरा, हीट एंड ट्रायल मेथड में ये तरीका है, सबसे पहले जो केमिकल रिएक्शन में मेटल रहेगा उसको करेंगे, मेटल नहीं रहेगा तो नॉन मेटल करना, नॉन मेटल नहीं रहेगा तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन रहेगा तो उसको करना है ना, जैसे ये क्या बाबू आपका पीरियोडिक टेबल, ये क्या बोला पीरियोडिक टेबल ठीक। अब पीरियोडिक टेबल है बाबू, ये मेरा पीरियोडिक टेबल है ना, तो यहाँ से वो आपको जिगजैग लाइन दिख रहा होगा इस तरह से, तो इस तरह से जो जिगजैग लाइन है, बोरोन है, सिल्कन है, एक जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, टेलुरियम है, इसके इधर राइट साइड में जितने भी एलिमेंट्स है सारे के सारे क्या है मेटल है, आंसर जी ऑन करो जी, इसके राइट साइड में ये जिगजैग लाइन के ऊपर में दिख रहा है बाबू, धर्मवीर कितना दिख रहा है जी, धर्मवीर दिख रहा है सर, हाँ यहाँ से इसीलिए टर्न का, यहाँ से ये वाला जो जिगजैग लाइन इसको कहा जाता है, इसके इधर जो भी है सारा का सारा क्या होगा मेटल होगा ठीक, इसके इधर जो भी है सारा का सारा क्या है नॉन मेटल है, नॉन मेटल है ना, नॉन मेटल, और ये वाला जो है जिगजैग लाइन वाला यहाँ पे कलर चेंज है ना, ये सारा का सारा क्या है मेटलॉइड है ना, तो मेटल जैसे इसके इधर, तो ये सब एलिमेंट याद रखो, जैसे सोडियम हो गया, लिथियम हो गया है ना, वेनेडियम हो गया, क्रोमियम हो गया है ना, वो Fe हो गया, आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया, सोना चांदी यहाँ, ये सिल्वर आपका है और ये गोल्ड है ना, तो इधर के ये सारे का सारे एलिमेंट मेरा क्या है मेटल है। तो आप लोग सारा बच्चा एक पीरियोडिक टेबल बड़ा वाला खरीद लेना और अपने रूम में इसको चिपका देना है ना, और डेली देखोगे ना तो बहुत सारा चीज याद हो जाएगा है ना, बहुत सारा चीज याद हो जाएगा है ना, डेली देखोगे कि नहीं, जैसे इधर हो गया निकेल देख लिए सर, तो ये जिग जैग लाइन पे इधर है सर, तो निकेल मेरा मेटल होगा सर, जिंक भी मेरा क्या होगा मेटल होगा सर, कैडमियम भी मेटल होगा सर, सिल्वर भी क्या होगा मेटल होगा सर, सोना चांदी सब क्या होगा मेटल होगा, ऑन करेगा जी ठीक। तो ये सब मेटल हो गया, इधर क्या हो गया सर कार्बन हो गया सर, फास्फोरस हो गया सर, सल्फर हो गया, सेलेनियम हो गया, बुलरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब क्या नॉन मेटल है, ये सब इधर क्या नॉन मेटल है, नॉन मेटल है, नॉन मेटल, जैसे कार्बन मेरा क्या हो गया सर नॉन मेटल, नाइट्रोजन क्या हो गया सर नॉन मेटल,
ऑक्सीजन क्या हो गया नॉन मेटल, फास्फोरस क्या हो गया नॉन मेटल, सल्फर क्या हो गया नॉन मेटल, सेलेनियम क्या हो गया नॉन मेटल, है ना। तो इस तरह से हम लोग मेटल और नॉन मेटल को क्लासिफाई करेंगे। 20 मिनट शांति से खाली सुनना है, लिखना उखना नहीं है, ठीक है। तो हम लोग तो देख के पहचान लेंगे सर, है ना, कुछ कुछ एलिमेंट, बाकी प्रैक्टिस करते करते आपको आइडिया हो जाएगा, है ना, आइडिया हो जाएगा। और इसमें क्वेश्चन देंगे, है ना। इसके बाद जिंदगी में आपको कभी भी बैलेंस करने के लिए टेंशन नहीं लेना। तो सबसे पहले मेटल को बैलेंस करेंगे, नॉन मेटल को, ऑक्सीजन को, हाइड्रोजन को, हीट एंड ट्रायल मेथड में यही करेंगे। जहाँ जो पहले हाइड्रोजन का करना शुरू किया, चाहे ऑक्सीजन को करना शुरू किया, तो उलबुला के रह जाएगा, ठीक है ना। तरीका ऐसा है ना, तरीका पहले मेटल बैलेंस करना, नॉन मेटल करना, ऑक्सीजन करना, हाइड्रोजन करना, है ना। अब देखो इसको बैलेंस करना, जैसे सी है प्लस ओ टू है, क्या बन गया, सी ओ टू बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन मेरा क्या है सर, नॉन मेटल है, है ना। हाइड्रो हमेशा इसमें नहीं याद रहता ना, हमेशा पहले ऑक्सीजन को, है ना, सबसे लास्ट में हाइड्रोजन करना, उससे पहले क्या करना, ऑक्सीजन करना, सबसे लास्ट में हाइड्रोजन बैलेंस करना, उससे पहले ऑक्सीजन करना, और सबसे पहले क्या करना, इन दोनों को छोड़ के जो रहेगा उसको सबसे पहले बैलेंस करना। एंसू जी टाउन करेगा जी, बीपी हाई करवाई ले, ठीक। नेक्स्ट बाबू, अब देखो यहाँ कार्बन का आइटम है, हमको क्या करना, नंबर ऑफ बैलेंस हम लोग क्यों करते हैं, नंबर ऑफ आइटम क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। कार्बन एक आइटम, इधर भी एक आइटम सर, है ना, तो कार्बन तो बैलेंस है। ऑक्सीजन देखेंगे, इधर का आइटम दो गो, ऑक्सीजन दो गो, इधर ऑक्सीजन क्या है, एगो है, इधर ऑक्सीजन दो गो, है ना, यहाँ पे जो रहेगा उसी का होता है। अब बैलेंस हमेशा करेंगे तो इस पोजीशन पे लिखना, इस पर मैंने ये जब भी कुछ नंबर लिखना तो इधर इस पोजीशन पे लिखना, जो जब भी नंबर लिखना तो यहाँ पे लिखा जाएगा, यहाँ पे तीन चार पाँच नहीं लिखना, बैलेंस करने में यहाँ पे फाइव सिक्स नहीं लिखना, जब भी लिखना यहाँ पे लेना, इस पोजीशन पे कोई भी नंबर लिखना इंटीजर, इस पोजीशन पे लिखना या इस पोजीशन पे लिखना, ठीक। तो दो गो ऑक्सीजन है सर, इधर एक गो ऑक्सीजन है, जैसे इधर एक गो ऑक्सीजन है तो दो से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑक्सीजन दो गो हो गया, इधर ऑक्सीजन दो आइटम, इधर भी ऑक्सीजन दो आइटम। अब जैसे ही इधर ऑक्सीजन दो आइटम हो गया तो फिर से हम लोग चेक करेंगे कि सारा बैलेंस है कि नहीं। तो इधर ऑक्सीजन दो गो तो हो गया सर, इधर कार्बन कै गो हो गया सर, दो गो कार्बन हो गया, इधर कार्बन दो गो, इधर कार्बन आइटम कै गो, एक गो है, इधर कार्बन आइटम एक गो, इधर कितना है दो गो, तो इसको भी दो गो बना कैसे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके, तो ये आपका क्या हो गया, बैलेंस हो गया, ये आपका क्या हो गया, बैलेंस हो गया, है ना। शांति से 20 मिनट सुनना जी, लिखना उखना नहीं है, ठीक। नेक्स्ट बोला सेकेंड मेथड में कैसे करेंगे, एबीसीडी मेथड क्या करेंगे, सेकेंड मेथड कैसे करेंगे बोला। तो जहाँ बाबू अब यहाँ पे अपना कॉमन सेंस यूज करना, मान लो बाबू हमको ये जैसे छोटा इक्वेशन है तो हीट एंड ट्रायल से बैलेंस कर लेंगे, अब बड़ा इक्वेशन आ गया जैसे ई सब आ गया, नीचे वाला आ गया, तो इस सब में बाबू हम लोग हीट एंड ट्रायल मेथड करोगे ना तो थक जाओगे, करते रहोगे, कभी दो करोगे, चार करोगे, पांच करोगे, छह करोगे, करते रह जाओगे, थक जाओगे, है ना। तो जहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट होगा उस अनुसार क्या करना, अपना मेथड यूज करना, है ना। अब मान लो बाबू आपको बाबू ई वाला, ये वाला है बैलेंस करना, इसमें लगा दिया सेकंड मेथड तो दिक्कत होगा। जैसे मान लो आपको सब्जी काटे की जरूरत है तो तलवार लाओगे तो दिक्कत होगा ना जी, है ना। अपने सहूलियत के अनुसार मेथड यूज करना, है ना। बड़ा क्वेश्चन रहेगा तो एबीसीडी मेथड यूज करना, सेकंड मेथड, छोटा क्वेश्चन है तो हीट एंड ट्रायल करना, है ना, हीट एंड ट्रायल करना, है ना, अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंट, है ना। जैसे क्या है सर, कार्बन है, शांति समझना, O2 है बराबर क्या है, CO है, यही है, है ना, ठीक बोला। अब इसको बैलेंस करना, तो ABCD मेथड में क्या करेंगे, हम इसको मान लेंगे, इसको A मान लेंगे, इसको B मान लेंगे, छोटका मानना, इसको क्या मान लेना, C मान लेना, बड़का मानोगे टेंशन हो जाएगा, छोटा वाला लेटर माना ABCD, ठीक है ना, ठीक। नेक्स्ट बाबू, ये CC है, ये C मान लिया, ज्यूम किए, अब यहाँ से शांति से समझो क्या लिख रहे बाबू शिवानी, अब क्या करेंगे, देखो क्या करना, इक्वेशन कार्बन है, ये क्या है, सी है, तो सी के लिए लिखना, सी कितना आइटम है, ए आइटम, एक आइटम ए है, आठ दस को करवाते हैं समझ में आ जाएगा। फिर इधर कार्बन कितना है, इधर कार्बन कितना है, सी है, तो ए बराबर क्या होगा, सी होगा, दोनों साइड कार्बन आइटम रिएक्टेंस एंड प्रोडक्ट साइड से हमको सेम होना चाहिए, तो ए बराबर कितना हो गया, सी हो गया। फिर दूसरा आइटम क्या, ऑक्सीजन है, दूसरा क्या है, ऑक्सीजन आइटम है, कौन है, ऑक्सीजन है, ठीक। तो ऑक्सीजन इधर कितना आइटम है, बी आइटम है, इधर ऑक्सीजन कितना है, सी एटम, तो बी बराबर कितना हो गया, सी हो गया, हो गया ना, ठीक सर, गलत हो, यहाँ ऑक्सीजन दो बना है, हाँ यहाँ यहाँ ऑक्सीजन दो एटम है, तो टू इंटू बी क्या हो जाएगा, टू बी हो जाएगा, ऑक्सीजन दो है और बी है, तो इसको मल्टीप्लाई करके लिखना कितना हो जाएगा, टू बी हो जाएगा, और इधर ऑक्सीजन कितना है ना, एगो है, तो एगो तो सी हो गया, टू बी से। अब इसमें जो सबसे ज्यादा बार आया है उसका वैल्यू अपने मन से क्या ले लेना, वन ले लेना, जो सबसे ज्यादा बार आया, ये तरीका, ये स्मार्ट तरीका, सबसे ज्यादा बार कौन आया, मैंने सबसे ज्यादा बार रिपीट कौन हो रहा है, सी सी, तो अपने मन से मान लेना लेट सी बराबर वन,
ये मेथड और बहुत सारे तरीका, लेकिन ये आपको आसान लगेगा। अभी हम लोग 8-10 क्वेश्चन करेंगे ना तो आसान हो जाएगा। तो सी बराबर वन मान लिया, तो सी बराबर वन मान लिया तो ए की वैल्यू कितना हो जाएगा, ए बराबर सी है तो ए बराबर कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा, सी बराबर वन हो गया। अब सी बराबर यहाँ पे वन पुट कर लो, सी बराबर वन यहाँ पुट करो, वन पुट कर देते टू बी बराबर कितना हो गया, वन हो गया, तो बी बराबर कितना हो जाएगा, वन बाई टू हो जाएगा, है ना। ठीक सर, ठीक, नेक्स्ट बोला है ना। अब जो ए बी की वैल्यू आया यहाँ पे पुट करो, क्या था सर, सी प्लस ओ टू बराबर कितना हो जाएगा, सी ओ हो जाएगा। अभी आपको बोले हैं भुला कि जैसा कन्वीनियंट होगा, अब इसमें सेकेंड मेथड लगाएंगे तो कॉम्प्लिकेटेड ये हो जाएगा ना, टफ होगा ना, तो जैसा हमको आवश्यकता होगा उसके अनुसार ये यूज करेंगे। ए बराबर देखो सी के बगल में क्या ए है, ए की वैल्यू कितना है, वन है, तो यहाँ वन लिखेंगे। यहाँ ऑक्सीजन के बगल में बी है तो बी की वैल्यू कितना है, 1/2 आया तो 1/2 लिखेंगे। और सी ओ के बगल में सी है, सी की वैल्यू कितना आया है, वन आया, तो यहाँ पर वैल्यू क्या लिखेंगे, वन लिखेंगे। अब यहाँ पे बैलेंस है 1/2 है, यहाँ क्या हो गया भला, 1/2 हो गया है ना, तो यहाँ डिनोमिनेटर में हम लोग 2 नहीं लिखते हैं, तो क्या करना, सारे में क्या करना, डिनोमिनेटर में 2 मत लिखना है ना, तो सारे में 2 से क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, सारे में 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई, अरे इक्वेशन में करता ना लेफ्ट हैंड राइट हैंड रहता, इसमें 2 मल्टीप्लाई करो, इसमें 2 मल्टीप्लाई करोगे तो इसमें जब 2 मल्टीप्लाई करोगे तो मर जाएगा ऊपर नीचे, और इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो अल्टीमेटली कितना हो जाएगा, 2C प्लस ओ टू बराबर कितना बन जाएगा, 2CO बन जाएगा, है ना। लिखो और समझाते हैं, लिखो इसको, ये वाला मेथड सब में फॉलो करेगा सर। हाँ सब जगह भाई लेटा, इतना सारा क्वेश्चन है ना जी, यस टेंशन का है। इसके बाद आप अभी ये स्टार्टिंग है ना, अभी स्टार्टिंग में आपको बोले बाबू कि अगर छोटा का क्वेश्चन है तो हीट एंड ट्रायल लगा लेना, बड़ा का क्वेश्चन है तो ये वाला मेथड लगा लेना, है ना, कभी जिंदगी में कभी गलत नहीं होगा। अंशुजीत ऑन करेगा बाबू के, बाबू हटाए यहाँ से, अंशुजीत शैतान से क्या लगता है, नो सर जगह जल्दी लिखो, जिंदगी में इसके बाद बैलेंस कर लेना ये थी होना चाहिए बाबू, अभी और हम लोग करते हैं, करते हैं अभी और, लिखो इसको। बाकी आप लोग के स्कूल में भी बताया जाएगा बाबू, बताना कैसे सर बताते हैं, जितना भी आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है रिएक्शन वाला सारा इसमें कलेक्ट कर लें और लिखाएंगे। जिसको नहीं समझ में आया अगला क्वेश्चन में समझो। एवं बीर कैमरा डाउन करो ना जी, शैतान हरा लाइट में कैसे लिखता हूँ बीर, कैसी खाली बाबू, एवं बीर लिख रहा है जी, सूत गया शैतान, उम्बीर कैसे मैं वीडियो ऑन करो बाबू, नहीं ना समझे शिवानी सर, वो फर्स्ट मेथड समझ में आ गया, सेकंड मेथड नहीं है। अच्छा अच्छा ठीक, अगला क्वेश्चन में समझेंगे, सेकंड समझना है, सेकंड वाला समझना, यही आपको काम देगा जिंदगी, आपको यही बचाएगा बाबू, फर्स्ट कभी भी धोखा दे सकता है बाबू, छोटा क्वेश्चन बना लेगा बड़का क्वेश्चन ही सब आएगा तो फंस जाएगा। ऐसा में ऑन करो ना जी, देखो संजना नहीं है, छुट्टी है तो लेट से कहती हो जी। जिसको नहीं समझ में आया दूसरा क्वेश्चन समझाते हैं, जल्दी लिखो जी, लिखा धर्मवीर, धर्मवीर ये शैतान सो गया जी, लिख लिया शर्मा, एवं शर्मा, हाँ सर हो गया, देखो जी शैतान है, चलो ठीक है, लिखिए सपना भोली, जल्दी जल्दी लिखो सपना, थोड़ा तेज लिखो, सेकंड क्वेश्चन 8-10 को बताते हैं ना, 7-8 को बताएंगे आराम से समझ में आ जाएगा।
जल्दी लिखो बाबू। हो गया सर। चलो ये सबसे फेवरेट टॉपिक होता है बाबू एग्जाम में, इससे जब क्वेश्चन जरूर पूछता है वो टाइप ऑफ रिएक्शन से पूछता है ना। बार बार बैलेंस करने देता है। हाँ बैलेंस का इक्वेशन दे देगा आपको, कहेगा बैलेंस करो, तो वहां पे फर्स्ट मेथड सेकंड मेथड कुछो मत करना, डायरेक्ट आंसर लिखना ठीक है ना, ऐसे 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 सॉल्व नहीं करना, नहीं तो मार्क ना देता, खाली आंसर से मतलब होता है। साइड में कर के देखेंगे सर, ऐसे थोड़ी में। हाँ साइड में कर लेना, एच टू प्लस ओ टू बराबर एच टू ओ बन गया। देखो फर्स्ट मेथड में हम लोग कितना करेंगे अब सोचो, फर्स्ट मेथड पहले समझना, फिर पांच मिनट फिर सुनो, उसके बाद लिखना एच टू प्लस ओ टू कितना है बाबू शिवानी, एच टू है। तो यहाँ पे पहले क्या करेंगे, पहले ऑक्सीजन को, हाइड्रोजन है ना, ऑक्सीजन है ना, तो पहले किसको बैलेंस करना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बैलेंस करो, मेटल नॉन मेटल तो है नहीं, तो ऑक्सीजन बैलेंस करो, तो कई आइटम ऑक्सीजन, दो गो आइटम ऑक्सीजन, अरे यहाँ दो गो आइटम, यहाँ ऑक्सीजन का आइटम एक गो आइटम है ना, ठीक है, इधर दो गो इधर एक गो, तो इधर दो गो कैसे बनेगा, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देना, तो ये दो जो होता है दोनों के लिए हो जाता है, हाइड्रोजन के लिए भी ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन दो आइटम ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब फिर हाइड्रोजन चेक करो, हाइड्रोजन इधर दो गो, आई हाइड्रोजन इधर कई गो, चार गो कैसे सर, दो गो हाइड्रोजन है दो गो आगे, तो चार गो हो गया, तो चार गो हाइड्रोजन इधर है, इधर दो ये गो, तो ये चार गो कैसे बनेगा, दो से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो है ना, तो ये हो गया फर्स्ट में। तो छोटका सूर्य से बोलना, छोटका अगर क्वेश्चन रहेगा ये सब तो इसको हीट एंड ट्रायल से ही बना लेना, इतना करने मत जाना, और जहाँ बड़का क्वेश्चन रहेगा जैसे ये सब रहेगा, ये सब क्वेश्चन रहेगा तो इसको सेकेंड मेथड से ही करेंगे है ना, ठीक। नेक्स्ट बोला सेकेंड मेथड समझो, सेकेंड मेथड बोला, क्या है सर एच टू प्लस ओ टू क्या बन रहा है, एच टू ओ बन रहा, ठीक। तो एबीसीडी मेथड है, एबीसीडी अरे कोई ऐसा स्टैंडर्ड मेथड नहीं है, ये सब आपको बुक वुक में नहीं मिलेगा ठीक है ना, ये आपको तरीका है, ऐसे खाली नाम दे दिए एबीसीडी, ऐसा नहीं है कि आपको हार्ड एंड फास्ट है कोई मेथड है एकदम है ना, मैंने ये सेंट्रल की तरह से रिकॉग्नाइज मेथड ऐसा कुछ नहीं, ये आपको सोल्व करने का तरीका बता रहा है। तो इसको ए मान लो, इसको बी मान लो और इसको सी मान लो है ना, ये सब बुक में आप लोगों को नहीं मिलेगा ठीक है ना, एक मैंने एक तरीका है सोल्व करने का। बुक में कितना मेथड है, बुक में वैसे खाली एगो हिट एंड ट्रायल टेबल वाला बना के दे दिया गया है ना, बुक वाला कभी उल्टो बना तो टेबल बना के और एगो पेज एकदम सर दर्द वाला हो जाएगा है ना, तो बुक छोड़ो खाली रीडिंग मारो। अब हम लोग क्या करेंगे सर, ए मान लिया सर, इसको बी मान लिया, इसको सी मान लिया ठीक, चार गो रहेगा तो डी मानेंगे, पांच गो रहेगा मान लिया यहाँ पे तीन है ना, चार गो रहेगा बी तक करेंगे ए बी सी डी, पांच गो रहेगा ए बी सी डी ई मानेंगे, छह गो रहेगा ए बी सी डी ई एफ मानेंगे है ना। अब इक्वेशन लिखना ऐसे माने, अब इक्वेशन लिखना था हाइड्रोजन के लिए लिखेंगे, तो हाइड्रोजन का आइटम रिएक्टेंट साइड प्रोडक्ट साइड हर एक एलिमेंट का क्या लिखना, इक्वेशन लिखना, तो हाइड्रोजन दो गो है आगे ए है, तो कितना हाइड्रोजन आइटम हो गया रिएक्टेंट साइड, दो ए हो गया, ए माना तो दो गो है, तो इधर कितना मन से पढ़ा बहुत सपना, इधर देखो जी दो गो हाइड्रोजन आइटम है ए है, तो ये टू ए हो गया, तो ये रिएक्टेंट साइड हो गया, प्रोडक्ट साइड लिखेगा ना, प्रोडक्ट साइड भी लिखने का, तो हाइड्रोजन आइटम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, इक्वल टू सिंबल देंगे, इधर हाइड्रोजन दो गो है और कार्बन है तो कितना हो जाएगा टू सी, तो टू ए बराबर टू सी हो गया ठीक। फिर ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन के लिखें तो ऑक्सीजन का आइटम दो आइटम, दो का ऑक्सीजन अब बी तो कितना हो जाएगा टू बी हो जाएगा है ना, ठीक से इधर भी ऑक्सीजन आइटम है तो कई को इधर सी है, इधर कितना ऑक्सीजन एक एक ऑक्सीजन आइटम आगे सी है तो टू बी बराबर कितना हो जाएगा सी हो जाएगा। हाइड्रोजन आइटम के लिए रिएक्टेंट साइड प्रोडक्ट साइड इक्वेशन लिख लो, ऑक्सीजन आइटम का रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड के लिए इक्वेशन लिख लो, अब इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व कैसे करेंगे ऐसे करेंगे सॉल्व ठीक है ना। हम लोग अब इसमें सबसे ज्यादा बार कौन आ रहा है देखना, ए बी सी सबसे ज्यादा बार सी आ रहा है, सी दोनों जगह आ रहा है ना, यहाँ भी सी है सर यहाँ भी सी है, तो मान लेना सी बराबर वन, लेट सी बराबर क्या मान लेना वन, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होगा उसको वन मान लो, तरीका ठीक है ना, कोई रिकॉग्नाइज अथी नहीं है ना कि आपको ये है कि ऐसे करेंगे, एक मैं आपको मैंने समझाने का तरीका बता रहा है, तो सी बराबर वन मानेंगे तो इसके लिए क्या लिखेगा टू ए बराबर टू इंटू वन, इस इक्वेशन के लिए यहाँ से ए की वैल्यू कितना हो जाएगा दो दो मर गया, ए बराबर कितना हो जाएगा वन हो जाएगा ठीक। यहाँ से बाबू इसमें लगाओ
सी बराबर कितना माने हो, वन माने हो, सी बराबर वन माने हो, तो सी बराबर वन यहाँ पुट करो तो टू बी बराबर कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा, तो बी बराबर कितना हो जाएगा, वन बाई टू हो जाएगा। तो हमको ये सब ए बी सी पता चल गया, ए बी यहाँ पे सी की वैल्यू हो गया सर, यहाँ पे बी की वैल्यू हो गया, यहाँ पे ए की वैल्यू हो गया। अब ए बी सी का जो वैल्यू आया उसको इक्वेशन में पुट कर दो, ए बी सी का जो वैल्यू आया उसको इक्वेशन में पुट कर दो, तो एच टू प्लस ओ टू बराबर एच टू ओ, क्या आया, ए बराबर कितना आया सर, वन आया, ए बराबर वन आया तो वन यहाँ वन लिखो, बी बराबर कितना आया सर, एक बटा दो आया है, सी बराबर कितना आया सर, वन आया। अब डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन में नहीं हम लोग लिखते हैं, हम लोग इसको ना इंटीजर में लिखेंगे, तो टू से क्या करो, सारे में मल्टीप्लाई कर दो, सारे में टू से क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, थ्री टू हट जाएगा, टू में सारे से मल्टीप्लाई करोगे तो टू हट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, टू एच टू प्लस ही तो हट जाएगा, दो से मल्टीप्लाई, अरे ऊपर मल्टीप्लाई कर तो मर जाएगा ना, तो ओ टू बराबर टू एच टू ओ बन गया है ना। लिखो बोला, जिसको नहीं समझ में अगला क्वेश्चन समझो, जब लोग समझोगे नहीं छोड़ेंगे नहीं। एवं भीर समझ में आ रहा है जी? Yes, sir. शिवानी अब बोले, हमारी शिवानी yes, sir. एकदम सीख लेना, फिर उसको पढ़ा देना शिवम को, ठीक है? नहीं विश्वास होता बाबू, तो जो भी आप लोग का कोचिंग स्कूल वाला है सिर्फ यही मेथड बताएगा, हिट एंड ट्रायल मेथड बता के छोड़ दिया जाएगा। जल्दी लिखो जी, तीसरा क्वेश्चन, तीसरा। अब हम लोग चौथा पांचवा पे आते हैं, पांचवा पे आते हैं ना, एक आध दो को बनाना इसी तरह से। जल्दी लिखो भोला मेरा। और क्वेश्चन है, हमेशा वन लेंगे क्या? हमेशा नहीं है भोला, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होगा, तो इसमें सबसे ज्यादा बार रिपीट सी दो जगह आया ना, जो सबसे ज्यादा बार आएगा, तो सबसे ज्यादा बार कौन आया, सी आया, तो सी दो जगह, जो सबसे ज्यादा बार आएगा उसकी वैल्यू हमेशा वन ले लेना। मान लो ए ज्यादा बार आता, ए दो जगह आता या तीन जगह आता, तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या ले लेना, वन ले लेना, वन ले लेना, है ना। और उसके बाद इक्वेशन बना के सोल्व करना, आपका आंसर आ जाएगा। एगो यहाँ पे ऐसा होगा ना, अभी हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन है ना, सब करेंगे, कुछ होना छोड़ेंगे, जितना भी क्वेश्चन है रिएक्शन का। इसमें देखो 30 को इक्वेशन दे ले बैलेंस करे का, फोटो खींच के भेज देंगे, 30 बना लेगा, जिंदगी में कभी दिक्कत नहीं होगा। स्केलेटन इक्वेशन, बैलेंस इक्वेशन, जल्दी लिखो बाबू। बिना बैलेंस रहता इक्वेशन का तो उसको और क्या नाम देते बाबू, धर्मवीर? इक्वेशन अगर बैलेंस नहीं है तो ऐसे इक्वेशन को कौन सा नाम से पुकारेंगे बाबू? अनबैलेंस इक्वेशन। और एक और लिखा है ना बाबू, स्केलेटन। हाँ ध्यान देना ये सब, जल्दी लिखो जी। लिख ली शिवानी? यस सर। लिखी सपना? यस सर। चलो ठीक है, ये सौम्या सेतान वीडियो ऑन करो जी। देखो बाबू इसी तरह तीसरा चौथा बनाना है ना, तीसरा चौथा बनाना, पांचवा बनाते हैं, पांचवा बताते हैं ना, पांचवा बताते हैं। फिफ्थ नंबर, ये डीआईवाई करना था और ये डीआईवाई करना, हाथ पर चला थोड़ा सा, पिटाने के लिए तैयार है ना, सुबह आ जाए बाबू, आज आएंगे, कख नहीं आवे कि कल से संडे है, कल देखते हैं। सोडियम प्लस क्या है सर, H2O, ये क्या बनेगा, NaOH बनेगा, और प्लस क्या बनेगा, H2O बनेगा,
ये क्या है सर? सोडियम है क्या बाबू? सोडियम मेटल है। सोडियम मेटल को बाबू पानी में डाल देते हो ना तो आग लग जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। लगा के आपको दिखा देंगे, कखनी पहले सिखाते हैं, ठीक है। जैसे ये क्या बोला बाबू, ये सोडियम मेटल है क्या? ये सोडियम मेटल है ना। अब सोडियम मेटल को बाबू पानी में डालोगे ना तो आग पकड़ लेगा, है ना, विस्फोट करेगा, विस्फोट करेगा, ठीक है ना। बाद में लास्ट में दिखा देंगे तो। दिखाइए ना सर। सर दिखा तो ज्यादा समझ में आएगा पहले। अरे तो इसमें समझना क्या बाबू, इसको पहले बैलेंस कर लेना, सीखो ना फिर। अच्छा ठीक है, अभी जब तक इसको एक सॉल्व कर दो उसके बाद। अरे तो थाली लाना पड़ेगा, उसमें पानी डालना पड़ेगा, ठीक है ना। पहले हाँ तो पहले इसको एक बार लिखा, जब तक आप लिखोगे ब्लास्ट पे जाएगा उतना। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत, पहले इसको पढ़ो एक बार क्या। चलो छोड़ो, रहने दो। फर्स्ट मेथड, पहले इसको हम बैलेंस कर ले सीखते हैं। सोडियम है सर, प्लस एच टू है। मन से समझना सपना, इसके बाद दिक्कत नहीं होना चाहिए। एनओ एच है और प्लस एच टू है। किसी भी स्कूल कोचिंग में पढ़ो, दिक्कत नहीं होना चाहिए, एकदम टनाटन तेज रहना चाहिए। सबसे पहले सोडियम मेरा क्या है सर? मेटल है, बताया था वो। सोडियम मेरा क्या है? मेटल है। तो सबसे पहले सोडियम को बैलेंस करना, फिर नॉन मेटल रहेगा उसको बैलेंस करना। तो सोडियम को पहले बैलेंस करो, ठीक। सोडियम का एटम एक एटम, इधर सोडियम रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड सेम होना चाहिए, एक एटम। ये हीट एंड ट्रायल मेथड है, एगो एगो, ठीक है, बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। फिर क्या करेंगे, ऑक्सीजन के बारे में सोचेंगे। ऑक्सीजन एगो, इधर भी ऑक्सीजन कितना, एगो, है ना, ऑक्सीजनो बैलेंस है, ठीक। नेक्स्ट बाबू हाइड्रोजन के बारे में सोचेंगे। हाइड्रोजन इधर दो एटम, इधर हाइड्रोजन कितना, तीन एटम, इधर दो है एक, इधर तीन एटम हो जाता है ना, तीन एटम हो जाता है। अभी यहीं पे समस्या है, अभी आगे आगे बड़ा बड़ा इक्वेशन आएगा ना, तो हीट एंड ट्रायल मेथड से ना दिमाग एकदम दिमाग झर जाएगा, है ना बाबू, एकदम कन्फ्यूज आ जाओगे। यहाँ हाइड्रोजन का एटम दो एटम, यहाँ हाइड्रोजन कितना, इधर हो गया दो एटम और इधर हो गया कितना, तीन एटम हो गया। तो ऑड नंबर कैसे बना, इधर दो करो तो इधर दो अगर कर देते हो, है ना, तो कैसे करोगे बताओ। यहाँ पे बाबू दो गो NOH कर दो और दो इधर, चार हो जाएगा, इधर दो कर दो चार हो जाएगा, मतलब ऐसे कर दो। अगर यहाँ दो से मल्टीप्लाई कर देते हो तो दो गो हाइड्रोजन आइटम प्लस दो, कई गो हो गया, दो प्लस दो कितना, चार हो गया। तो चार गो हाइड्रोजन आइटम, चार गो हाइड्रोजन आइटम होगा तो दो गो यहाँ है, तो दो गो ऑलरेडी यहाँ हो गया, चार गो हाइड्रोजन आइटम हो गया। आज जैसे बाबू अगर इसको बैलेंस करो तो फिर से शुरू से चेक करना है कि सारा बैलेंस है कि नहीं। आपको क्या होता है हीट एंड ट्रायल मेथड में, जैसे मान लो बाबू हमने ऑक्सीजन हाइड्रोजन आइटम को बैलेंस किया, है ना, तो हाइड्रोजन को बैलेंस किया तो इधर दो हाइड्रोजन आइटम है, एक वो है, दो आगे मल्टीप्लाई दो हो गया, दो दो इधर कितना, दो 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 चार हो गया, तो इधर चार बनाओ तो चार कैसे, दो गो तो है, तो दो मल्टीप्लाई कर दो। अब फिर से शुरू से चेक करना, अगर कुछ मल्टीप्लाई करोगे तो हीट एंड ट्रायल मेथड में यही होता है। फिर से शुरू से चेक करो, सोडियम बैलेंस है, इधर सोडियम एगो, इधर सोडियम का एगो हो गया, दो हो गया, तो सोडियम बैलेंस नहीं ना है, तो अब सोडियम को करो, इधर दो गए तो इधर दो से मल्टीप्लाई करो। हीट एंड ट्रायल मेथड अभी बताएंगे ना तो कंफ्यूजन हो जाएगा, है ना बाबू, अभी बड़का बड़का बताएंगे ना तो कंफ्यूज आ जाओगे, इसीलिए सेकंड मेथड है। इधर सोडियम दो गो, इधर सोडियम दो गो, ठीक। अब सोडियम दो गो हो गया, उसके बाद फिर ऑक्सीजन चेक करो, ऑक्सीजन इधर आइटम का एगो, दो गो ऑक्सीजन आइटम, इधर ऑक्सीजन का एगो, दो गो, फिर हाइड्रोजन इधर चार गो और इधर क्या हो गया, दो गो चार गो। अब ये इक्वेशन आपका क्या है, बैलेंस है ना, इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। समझा, वीडियो ऑन करो बाबू, है ना। तो इस तरह से हम लोग सोचेंगे। सेकंड मेथड क्या बोला, एबीसीडी मेथड सबसे आसान मेथड, इसमें सोचना नहीं है, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है। सेकंड मेथड क्या आपका, स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना, प्रोसेस याद रखो और आंसर लूट लो। NaOH प्लस कितना, H2O है, ठीक। एबीसी में क्या करेंगे, एबीसीडी मान लेंगे, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो, इसको डी मान लो, है ना, ठीक सर, ठीक। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज बनाने में हम लोग को अच्छा लगता है। अब सोडियम के लिए इक्वेशन लिखना, सोडियम आइटम के लिए इक्वेशन है, तो सोडियम इधर का आइटम ए, एक आइटम ए आइटम, इधर सोडियम आइटम क्या हुआ, सी आइटम है, तो ए बराबर क्या हो गया, सी हो गया। हर एक आइटम के लिए इक्वेशन लिखना, फिर हाइड्रोजन है चाहे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के लिए लिखो, ऑक्सीजन क्या हुआ, इधर बी है, बी है तो इधर बी हो गया ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन आइटम क्या हुआ, सी जी यहाँ ना ऑक्सीजन, अगर सी है तो ए बी बराबर कितना हो गया, सी हो गया। फिर हाइड्रोजन के लिए इक्वेशन लिखो, हाइड्रोजन इधर क्या हुआ, दो इंटू बी, टू बी हो गया। नेक्स्ट इधर हाइड्रोजन आइटम क्या हुआ, यहाँ पे समझना, इधर हाइड्रोजन आइटम क्या हुआ, सी है, यहाँ सी एच है ना जी, तो सी हो गया, तो सी हो गया। प्लस है, यहाँ भी हाइड्रोजन आइटम है ना, तो प्लस है तो प्लस देना,
अकाई हाइड्रोजन एटम 2d। तो इस तरह से क्या करना, ABCD मान लेना, हर एक आइटम के लिए क्या लिख लेना, ये इक्वेशन लिख देना। अब इसमें आंख खोल के देखना, सबसे ज्यादा आंख ऐसे पूरा देखना, सबसे ज्यादा बार कौन आ रहा है। तो देखो ए एक बार आया, सी एक दो तीन जगह आ रहा है, सी तीन बार आ रहा है ना, यहाँ भी सी है सर, यहाँ भी सी है, यहाँ भी सी है। तो जो सबसे ज्यादा बार आएगा उसको वन मान लेना, ऐसा तरीका है ना। सी तीन, एक दो तीन है, तो लेट हम लोग सी की वैल्यू कितना मान लेंगे, वन मान लेंगे। सी बराबर कितना मान लेंगे, वन मान लेंगे, है ना, ठीक है। सी बराबर कितना मान लेंगे, वन मान लेंगे, है ना। अब सी बराबर वन मान लिया तो यहाँ से इक्वेशन लिखो, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। सी बराबर वन माना तो वन रखो ना, तो ए बराबर वन हो गया, एक सी बराबर वन माना है। अब यहाँ से सी बराबर वन माना है तो यहाँ से इक्वेशन लिखो, इसके लिए इक्वेशन लिखो, तो बी बराबर कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। बी बराबर वन होगा ना, बोला सी बराबर वन माना तो, ठीक। अब यहाँ पे पुट करो, इसके लिए इक्वेशन लिखो, बी बराबर कितना आया सर, वन आया, तो टू इंटू वन बराबर सी बराबर वन माना है, अब प्लस कितना है, 2d है ना, ठीक हो। अब इसको सॉल्व करो, ये दो बराबर वन प्लस 2d, वन इधर है, वन हो जाएगा, तो वन बराबर 2d, तो d बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। d बराबर कितना हो जाएगा, 1/2, है ना। a भी पता चल गया, b भी पता चल गया, c भी पता चल गया, और d भी पता चल गया। तो जो आ गया उसको आप इक्वेशन लिख के भाई लोग पुट कर दो, तो क्या है सर, तो Na प्लस H2O बराबर NaOH, अब प्लस कितना है, H2 है, ठीक। एक जगह क्या है, Na की जगह क्या A है, A बराबर 1 आया सर, H2O H2O B की जगह कितना है, 1 आया सर, NaOH के बगल में C है, C की वैल्यू कितना आया सर, 1 आया सर, हाइड्रोजन के बगल में D है, D की वैल्यू कितना है, 1/2 आया। अब डिनोमेटर में हम लोग नहीं रखते हैं, फ्रैक्शन में हम लोग ना लिखते हैं, हम लोग इंटीजर में लिखते हैं। तो दो से सारे में मल्टीप्लाई कर दोगे तो नीचे वाला ही दो मर जाएगा, मतलब सारे में दो से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2Na प्लस 2H2O बराबर 2NaOH अब प्लस H2O। दो में सारे से क्या करें, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये तरीका होता है। लिखो अब आप लोग, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है जी, फर्स्ट मेथड इजी, तो सेकंड मेथड क्या, फर्स्ट मेथड है सेकंड मेथड, फर्स्ट मेथड इजी तो सेकंड, फर्स्ट मेथड बाबू ये सब स्कूल में बताया जाएगा, इसमें फंस जाओगे, छोटका क्वेश्चन रहेगा तो बन जाएगा, और नीचे वाला आएगा ना तो फर्स्ट मेथड करते रहना, वैसे लौटते रहना नागिन साहब की तरह। हम लोग पढ़ाते बाबू तो आइडिया है नहीं जी कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आता है। पार्शियल इक्वेशन मेथड दिया हुआ है सर, अरे बहुत सारे मेथड होते हैं बाबू, है ना, तो हम लोग पार्शियल इक्वेशन ऐसी है, इक्वेशन ही बना के करना पड़ेगा आपको, उसमें कुछ नहीं है, तो उससे आसान ना है जी, पार्शियल इक्वेशन करने दिमाग लगाने जाओगे। सारा मेथड में बाबू जो आसान होता है वही ना कोशिश करेंगे बताने का। जल्दी लिखो बाबू, जब तक सीखोगे नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है सपना, ए बोली सपना, सर ब्लर हो, ब्लर हो गया, चलो ठीक हो जाएगा। एक बार अच्छे से सीख लो, उसके बाद स्कूल जाना, अपने दोस्त सबको सिखाना।
एवं शर्मा आता समझ में जी? शर्मा जी यस सर, पैसा बैलेंस कर लोगे हीट एंड ट्रायल से? ट्राई करूंगा सर, हो जाना चाहिए। नीचे लग कर लेगा हीट एंड ट्रायल से बैलेंस बाबू? सर ट्राई करूंगा सर, हो जाएगा तो अच्छा बात है, नहीं होगा तो छोड़ देंगे। नहीं छोड़ेंगे कैसे सर, करके ही रहेंगे, ना होगा तो छोड़ देंगे। कोर्सेस करो बाबू सेकंड, चूंकि आप लोग का एग्जाम में जो आएगा ना बैलेंस करे लेता है, ऐसा इनका थोड़ी देगा कार्बन ऑक्सीजन वो टू है ना, ऐसा नहीं ना देगा, देगा थोड़ा सा बनाने लायक क्वेश्चन देगा, फ्री में मार्क्स तो देगा नहीं। तो सेकंड मेथड अप्लाई के कोर्सेस करना है, रफ स्केच करना और बना लेना अपना, समझे? थोड़ा थोड़ा शिवानी। हाँ सर आ गया। हाँ चलो एक बार समझाते हैं, अभी जल्दी लिखिए, जल्दी लिखिए, शिवम को पढ़ा देना कि बैलेंस करे लाता है। नेक्स्ट बाबू कौन सा बताएं? छठा नंबर, ये सब करना डी आई बाई है, और ये भी तो आसान है बाबू, ये वाला बड़ा लग रहा है सर, इसको बनाते हैं ना, कि आयरन वाला बता दें, आयरन वाला पहले बताते हैं। 9, 10 बता दीजिए। अच्छा 9 बताते हैं, आयरन वाला बताते हैं ना, लिखो इसको 9 बताते हैं। ये सारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ना, मैक्सिमम सब एनसीईआरटी का ही है, और यही सब केमिकल इक्वेशन फिर हमको जरूरत पड़ेगा जब टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन पढ़ाएंगे। देखो क्या आयरन है, लोहा को पानी में डाल दोगे तो आपका क्या बन जाएगा, Fe3O बन जाएगा, इसको आयरन 2-3 ऑक्साइड कहते हैं, या इसको क्या कहेंगे, आयरन 2-3 ऑक्साइड, ठीक है ना, और प्लस H2 बनेगा, बताएंगे इसके बारे में, इसके बारे में बताएंगे, ये Fe प्लस ये आयरन 2 ऑक्साइड और फेरस ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड का ये मिश्रण से बनता है। 9 नंबर इसको सीखो, आयरन को बाबू पानी में अगर डाल दोगे, ठीक है ना, तो ये क्या बनेगा, Fe3O4 बनेगा, Fe3O4 अब प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, है ना। तो देखो फर्स्ट मेथड में कैसे करोगे, फर्स्ट मेथड पहले सीखो हीट एंड ट्रायल मेथड, है ना, फर्स्ट मेथड हीट एंड ट्रायल बाबू, Fe बाबू प्लस H2O है, Fe3O4 हो गया प्लस कितना हो गया H2 हो गया। तो पहले हम लोग मेटल को बैलेंस करेंगे, पहले किसको करना, मेटल को बैलेंस करना था, यहाँ Fe का Fe लोहा क्या होता है, मेटल होता है ना, Fe एक एटम, इधर Fe का एक गो 3 गो, तो इधर 3 गो है, इधर एक गो, तो इसको 3 बनाओ, यहाँ से 3 बन गया, है ना। ये तरीका जहाँ जो पहले हाइड्रोजन ऑक्सीजन करने चला तो थक जाएगा, इधर Fe 3 गो, तो इधर 3 गो बनाओ, ठीक है सर। उसके बाद बाबू नॉन मेटल तो है नहीं, ऑक्सीजन को बैलेंस करो, ऑक्सीजन इधर देखो कई गो है सर, 2 गो, इधर ऑक्सीजन कई गो 4 गो, इधर ऑक्सीजन कई गो है 4 गो है ना, हाँ सर, इधर ऑक्सीजन एक एटम है ना, अरे इधर 4 गो ऑक्सीजन, इधर 1 गो ऑक्सीजन, तो ये 4 गो कैसे बनेगा, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, ठीक सर। Fe हो गया, ठीक। नेक्स्ट वो हाइड्रोजन देखना है, हाइड्रोजन इधर कई गो 4 दूनी 8 गो हो गया, इधर हाइड्रोजन कई गो है 2 गो है, इधर हाइड्रोजन 2 गो है, तो इसको भी 8 बनाओ, इधर हाइड्रोजन एटम कई गो है 4 दूनी 8 हो गो ना जी, 2 गो 4 दूनी 8, तो इधर भी हाइड्रोजन एटम 8 बनाओ, तो कैसे बनेगा, 2 गो है तो 4 गो मल्टीप्लाई करो। तो कोई कोई क्वेश्चन बाबू आपको हीट एंड ट्रायल से आसान हो जाएगा, कोई कोई क्वेश्चन सेकंड मेथड से आसान होगा। सेकंड मेथड कैसे समझोगे, इसको समझो उसके बाद लिखना, सेकंड मेथड देखो, ठीक क्या है सर, Fe है प्लस H2O है बराबर Fe3O4 है और प्लस कितना है H2O है, तो ABCD करें बाबू, ABCD 4-5 गो रहेगा, तो ABCDE तक मानना 3 गो रहेगा, ABC मानना 2 गो रहेगा, AB मानना कि नहीं, हमको इसको A मान लेंगे, एगो के B मान लेंगे, एगो के C मान लेंगे, एगो के D मान लेंगे, 5 गो रहेगा तो ये मानना। अब हर एक आइटम के लिए क्या लिखना, इक्वेशन लिखना, आयरन के लिए इक्वेशन लिखो, Fe के लिए, तो कितना आइटम है, रिएक्टेंट साइड A आइटम है, इधर कितना आइटम है Fe 3 है, 3 C है, तो कितना हो जाएगा A बराबर 3 C हो गया। हाइड्रोजन के ऑक्सीजन के लिए लिखो, क्या ऑक्सीजन आइटम B है, मन से पढ़ना सपना,
प्रोडक्ट साइड का ऑक्सीजन फोर है, फोर ऑक्सीजन एटम सी है तो फोर सी हो गया, बी बराबर कितना हो जाएगा फोर सी हो गया। हाइड्रोजन के लिए लिखेंगे इक्वेशन, कई गो हाइड्रोजन आइटम दो गो है बी है तो टू बी हो गया। इधर हाइड्रोजन का आइटम के लिए लिखेंगे दो गो हाइड्रोजन है तो टू डी हो जाएगा। अब इस बार इसमें आँख खोल कर देखेंगे सबसे ज्यादा बार कौन आ रहा है, सी दो बार आया सर, बी भी दो बार आया सर, सी दो बार आया, बी दो बार, तो किसी एक वन मान लो, सी यहाँ भी आ रहा है सर, अब बी यहाँ भी आ रहा है, जिसको इच्छा उसको एक बार वन मान लेना, सी को मानने का माने तो लेट मान लो सी बराबर कितना वन, बी को मानने का माने तो बी बराबर मान वन मान लेना जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होगा। तो सी बराबर वन मान लोगे तो इसके लिए इक्वेशन लिखो ए बराबर कितना हो जाएगा, सी बराबर वन करोगे तो ए बराबर थ्री हो जाएगा, तो ए की वैल्यू तीन आ गया। यहाँ पे बाबू इसके लिए लिखो इक्वेशन बी बराबर सी बराबर वन माना तो बी बराबर कितना हो जाएगा फोर हो जाएगा, यहाँ बाबू टू हो गया, अब बी की वैल्यू कितना आया चार आया है, बी की वैल्यू चार आया ना जी, तब बी की वैल्यू पुट करो चार बराबर टू डी, दो दो मर गया तो डी बराबर कितना आ गया फोर आ गया, तो ए आ गया बी आ गया डी आ गया सी आ गया, सारे का वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन लिखो पुट कर दो ए थ्री प्लस एच टू ओ, ऐसा अपना कहानी समझ में आ रहा बोली एफ थ्री ओ फोर प्लस। अब ए की वैल्यू पुट कर देंगे सर, ए बराबर कितना है सर तीन आ गया, बी है एच टू ओ के बगल में बी है, बी बराबर कितना आ गया चार आ गया, एफ थ्री ओ फोर के बगल में सी है, सी बराबर कितना वन है, तो वन हम लोग नहीं लिखेंगे, वन हम लोग नहीं लिखते ठीक है ना, वन नहीं लिखते हैं, और एच टू ओ है तो एच टू के बगल में डी है, डी कितना हो गया चार हो गया, तो ये आपका बैलेंस हो गया। वन हम लोग नहीं लिखते बाबू ध्यान देना, समझी शिवानी, अब बोली शर्मा जी समझा बाबू शर्मा। यस सर ये तो बहुत आसान है सर, सेकंड में था। अगला क्वेश्चन बाबू जल्दी लिखो बाबू, सेकंड मेथड आपको धोखा नहीं देगा ठीक है ना, सेकंड मेथड आपको धोखा नहीं देगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेप याद रखो आंसर आ जाएगा। जिसको नहीं समझ में आया अगला क्वेश्चन समझाते हैं। टेंथ नंबर सर, दस नंबर बताएं, दस ही बताते हैं। लिखो जल्दी से, है अंबेर समझा जी, अंबेर जल्दी लिखो जल्दी लिखो, पानी में डाल के नहीं लो शैतान सोडियम को पानी में डाल, पहले पढ़ ले तो उसके बाद लास्ट में दिखा देते हैं, नहीं तो फिर कंसंट्रेशन लाइक हो जाएगा ना, पहले पढ़ लेते हैं, पहले पढ़ लेते थोड़ा सा है ना फिर दिखा देते, जल्दी लिखो वो देखो दस नंबर बताते हैं। आज स्कूल नहीं ना प्रधान, नहीं शर्मा जी को कोचिंग जाना, आराम से जाएगा टेंशन किया, जल्दी लिखो जी ना मुझे कोचिंग उसका, साढ़े छह बजे जाएगा ना शर्मा जी। यस सर, हाँ बाबू चलो बहुत बहुत जल्दी 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 लिखो जल्दी लिखो, दस नंबर बताओ कौन सा नंबर बताए बाबू, सपना बोली क्या नंबर बताए बाबू, अब बोली सपना, लो जी दस है बताते जी, रोना धोना शुरू होता है सबको, कुछ नहीं करना है खाली आपको स्टेप्स याद रखना है ना, और क्वेश्चन सोल्व कर लेना। देखो दस नंबर, दस नंबर क्या बाबू, क्या कॉपर सल्फेट है सोडियम हाइड्रोक्साइड है, अरे शैतान
यहाँ बाबू कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट है बना हुआ, 10 नंबर करेक्ट करो बोला। कॉपर सल्फेट थोड़ी बनेगा बोला, ये कॉपर सल्फेट है, इसके साथ कॉपर हाइड्रोक्साइड बनेगा, इसको सही करो। ये CuOH के होल टू बनेगा, कॉपर सल्फेट को NH के साथ रिएक्शन करोगे तो CuOH के होल टू बन जाएगा, प्लस Na2SO4 बन जाएगा, सोडियम का सल्फेट बन जाएगा। सल्फेट का बताया था ना फॉर्मूला जी, केमिकल फॉर्मूला था, सोडियम का सल्फेट है, कॉपर का हाइड्रोक्साइड, OH क्या हो गया, हाइड्रोक्साइड हो गया। ठीक ठीक सर, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा करेक्ट करना बाबू, कॉपर सल्फेट थोड़ी रहेगा, क्या है सर, CuSO4 है, कॉपर सल्फेट है सर, इसका रिएक्शन करवा देते सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। कैसे होता है हम लोग सीखेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन में, इसका सल्फेट इसके साथ चला जाएगा और कॉपर का हाइड्रोक्साइड बनेगा, डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे ना तो उसमें सीखेंगे, पहले कैसे बैलेंस होता है वो सीखो। कॉपर का हाइड्रोक्साइड हो गया और प्लस सोडियम का सोडियम का सल्फेट हो गया। ठीक, अब इसको हम लोग हीट एंड ट्रायल मेथड से कैसे करेंगे सर, तो देखो पहले मेटल कॉपर को बैलेंस करो, पहले किसको बैलेंस करेंगे, शांति से सुनना जी, पहले कॉपर बैलेंस करेंगे, कॉपर का एटम एक एटम, कॉपर का एटम एक एटम, ई ओ एच के होल टू है, तो ये जो दो है ऑक्सीजन के लिए, हाइड्रोजन के लिए, कॉपर के लिए नहीं है, कहीं भी शैतान मान लो अगर सी यू लिखा हुआ है या कोबाल्ट लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है जैसे सी यू सी एल है ना टू लिखा हुआ, तो ये सिर्फ दो यहाँ पे रहता तो उसी एटम के लिए होता है जिस एटम के बगल में रहता, और यहाँ पे रहता है मल्टीप्लाई तो ये सारे के लिए होता है, ये ध्यान देना, यहाँ पे रहेगा तो जिस एटम का रहेगा उसी का सिर्फ नंबर काउंट होगा। ठीक, नेक्स्ट बोला, तो हीट एंड ट्रायल मेथड से करेंगे बाबू, इधर कॉपर एक एटम, इधर कॉपर एक एटम, बैलेंस है, टेंशन नहीं है। कॉपर के बाद सल्फर का करो, है ना, कॉपर के बाद सल्फर करो, चाहे सोडियम करो, जो इच्छा वो करो, पहले सोडियम कर लो, मेटल है कॉपर भी मेटल है, सोडियम मेटल है, तो कॉपर एगो, कॉपर एगो, सोडियम इधर एगो, इधर सोडियम का एगो, दो गो, Na2SO4 है, तो इसको सोडियम दो बनाओ, तो यहाँ दो गो ना, तो इसको दो कैसे बनाओगे, दो से मल्टीप्लाई करके सोडियम दो गो हो गया। शांति समझना जी, यहाँ से बहुत कन्फ्यूजन पालना शुरू हो जाएगा, हीट एंड ट्रायल से करोगे ना बहुत सर दुखेगा। ठीक, सोडियम दो गो हो गया, ठीक सर, सोडियम बैलेंस हो गया, अब कॉपर भी बैलेंस हो, कॉपर भी बैलेंस है सर, सोडियम भी बैलेंस है, है ना। उसके बाद सल्फर देखो, सल्फर देखो, सल्फर का एटम एक एटम, इधर सल्फर का एगो है, एगो है, सल्फर बैलेंस है। ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन चार एटम और दो यहाँ पे आगे दो है ना, छो गो हो गया, तो इधर ऑक्सीजन का एगो दो गो, इधर चार गो, छो गो ऑक्सीजन हो गया, इधर कितना हो गया, छः गो ऑक्सीजन हो गया। लास्ट में हाइड्रोजन बैलेंस करो, हाइड्रोजन का एटम दो एटम और यहाँ हाइड्रोजन टू एटम, बैलेंस हो गया, सिर्फ एक नंबर से मल्टीप्लाई किया, बैलेंस हो गया, सारा देख लेना क्रॉस चेक करके, ठीक है ना, तो कुछ कुछ बाबू देख लेना, ये सिर्फ यहाँ टू से मल्टीप्लाई करो, सारा का सारा बैलेंस हो गया। ये हो गया फास्ट मेथड, ये क्या आपका हो गया फास्ट मेथड, है ना। सेकेंड मेथड कैसे करेंगे जी, ए बी सी डी मानो, है ना। सेकेंड मेथड क्या है सर, कॉपर सल्फेट है प्लस कितना है सर, NaOH है, कॉपर हाइड्रोक्साइड है और प्लस कितना है, Na2SO4 है ना। मानो ABCD मेथड में, ABCD मानो, इसको A मान लो, इसको B मान लो, इसको C मान लो, इसको D मान लो। अब हर एक आइटम के लिए क्या लिखो, इक्वेशन बना दो, कॉपर के लिए इक्वेशन बना दो, कॉपर कितना है, एगो है, इधर इधर कॉपर का एगो है, सी है, तो ए बराबर सी हो गया। सोडियम कॉपर के बाद सल्फर है, सल्फर का लिखो, सल्फर कितना है, एक आइटम है, ए है, इधर सल्फर कितना है सर, एगो इधर है, तो इधर डी हो गया, ए बराबर डी हो गया। सर पहले सोडियम बना करते हैं इक्वेशन बनाने बाबू, जैसे सीक्वेंस ऑर्डर है ना उसी को लिख लो, इक्वेशन जब बनाओ बाबू तो यहाँ कॉपर के बाद सल्फर के बाद ऑक्सीजन इसी तरह से लिख लो, कहने तो छूट जाए, वो बैलेंस करने में करते हैं ना, हीट एंड ट्रायल मेथड में। सल्फर हो गया, फिर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के लिए इक्वेशन बनाओ, चार ऑक्सीजन एटम आगे ए है तो 4A हो जाएगा, 4A इधर दो जगह ऑक्सीजन है, जितना जगह रहेगा उतना जगह लिखना, नहीं तो गलती हो जाएगा, यहाँ 4A है, यहाँ पे ऑक्सीजन है ना, यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन कितना है, बी है, तो 4A प्लस बी, ये रिएक्टेंट साइड में प्लस है तो बीच में प्लस देना, ठीक, बराबर
ये रिएक्टेंट साइड का ऑक्सीजन एटम, प्रोडक्ट साइड का ऑक्सीजन एटम कितना है, दो गो है, यहाँ ध्यान देना, दो अस्सी कितना है, टू सी हो गया, इधर कितना अच्छा ऑक्सीजन चार, इधर डी है, तो टू सी प्लस कितना हो जाएगा, फोर डी हो जाएगा। ऑक्सीजन एटम जितना जगह रहेगा ना उतना लिखना, तो यहाँ के लिए चार गो हो गया, यहाँ बी है तो प्लस बी देना, रिएक्टेंट साइड का दो जगह रहेगा तो प्लस देना, तीन जगह रहेगा तो प्लस देना, प्रोडक्ट जगह जहाँ जगह है उसको प्लस से ये करना है ना। नेक्स्ट बाबू, तो कॉपर हो गया, सल्फर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हो गया, सोडियम बच रहा है, और क्या बच रहा है आपका, सोडियम बच रहा है, और क्या बच रहा है बोला, हाइड्रोजन बच रहा है, सोडियम के लिए लिखो इसी तरह से, सोडियम के लिए लिखेंगे बोला, तो सोडियम कितना है सर, बी है, इधर सोडियम कितना है सर, डी है, टू डी हो गया। फिर हाइड्रोजन के लिए लिखेंगे, हाइड्रोजन कितना है, बी है सर, इधर हाइड्रोजन कितना है, दो जगह हाइड्रोजन है वो एक के जगह, टू एच टू सी है, हो गया, सारे के लिए क्वेश्चन लिखा दिया। अब बाबू जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ, सबसे ज्यादा बार कौन आया है, डी एक दो तीन जगह डी आया, चार जगह डी आया, सबसे ज्यादा बार डी आया, यहाँ भी डी है सर, अरे एक जगह दो जगह तीन जगह डी है, सी का जगह एक जगह दो जगह तीन जगह भी सी है, तो किसी एक को मान लो वन, सी चार डी को किसी को मान लो, ए एक जगह दो जगह है ना, लेट बॉब मान लो सी बराबर वन, डी सी बराबर वन, सी बराबर वन मान लो तो ए बराबर कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा, यहाँ पे बाबू यहाँ पे वैल्यू पुट करो, ए बराबर वन आ गया तो डी बराबर कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा, तो डी बराबर कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा, है ना, ठीक बोला, आपको सी आ गया ए आ गया, यहाँ पे पुट करो बोला, फोर है, ए की वैल्यू कितना आया सर, वन आया, तो फोर इंटू वन, प्लस बी नहीं है तो बी रहने दो, टू इंटू सी, सी बराबर कितना है सर, वन है, प्लस डी बराबर कितना, वन है, तो वन इंटू फोर, फोर बी बराबर कितना हो जाएगा, टू प्लस फोर हो जाएगा भोला, तब फोर बी बराबर कितना हो जाएगा, सिक्स हो जाएगा, तो बी बराबर कितना हो जाएगा, सिक्स बाई फोर हो जाएगा, सही है जी, कैलकुलेशन नहीं कर सकते सर, सही है भोला, फोर ए, फोर ए प्लस बी हो गया, किसका ऑक्सीजन आइटम के लिए चार गो हो गया, ऑक्सीजन आइटम के लिए बी हो गया सर, फोर प्लस बी है ना, तो आप फोर मल्टीप्लाई बी लिख दिए नीचे, फोर इंटू वन प्लस बी के नीचे, देखिए फोर है तो फोर मल्टीप्लाई बी होगा ना, उसके नीचे, उसके नीचे, हाँ बोला, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कितना हो जाएगा, वो फोर प्लस बी हो जाएगा, ठीक, तो चार चार मर गया तो बी बराबर कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा, चार चार मरेगा तो बी बराबर कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा, तो ए बी सी आ गया। अब यहाँ से वैल्यू इसके लिए निकालो बाबू, B की वैल्यू कितना है सर, दो है, पुट करो बराबर टू डी, तो D बराबर कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा, तो यहाँ से D की वैल्यू वन है सर, D की वैल्यू वन है, यहाँ पे पुट करो बाबू, B बराबर कितना है सर, B की वैल्यू दो आ गया, तो दो पुट कर दो बराबर टू सी, सी बराबर कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। अब सारा का वैल्यू क्वेश्चन में रख दो, आपका आंसर आ जाएगा, सारा का वैल्यू क्वेश्चन में रखो, आंसर आ जाएगा। लिखो जी, तो दोनों मेथड बाबू है ना, छोटका क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग एक बार पहले हीट एंड ट्रायल मेथड से देख लेना, देखना कि बाबू नहीं मेरा हो रहा है तो सेकंड मेथड अप्लाई करके आंसर ले आना, सेकंड मेथड में डेफिनेटली आपका आंसर आएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन हो जाए लेकिन आंसर डेफिनेटली आ जाएगा। धर्मवीर ना समझ में आता जी, धर्मवीर सो गया जी, कॉपर हाइड्रोक्साइड और प्लस Na2SO4 है, तो कॉपर सल्फेट के बगल में कितना ए है, ए की वैल्यू कितना है, वन है, तो वन हम लोग नहीं लिखते हैं, वन हम लोग नहीं लिखते हैं ना, यहाँ पे वन हम लोग नहीं लिखेंगे, NaOH है बाबू, NaOH डी की वैल्यू कितना है, टू आया तो टू हो गया, और Cu के बगल में सी है, सी की वैल्यू कितना है, वन आया तो वन हो गया, और यहाँ पे डी है, डी की वैल्यू भी कितना है, वन आया, तो वन हम लोग नहीं लिखेंगे, वन नहीं लिखेंगे, वन नहीं लिखेंगे, है ना, वन नहीं लिखा जाता, लिखो बोला सौम्या, सही क्लास 90 मिनट चलेगा।
शैतान सौम्या का भी नाम लिया, शैतान भाग गए, इसको कौन ये ना पढ़ेगा, जिसको भगा ये देंगे, मूड खराब हो गया, स्कूल भी नहीं है, शैतान लीव कर जाती है, बताओ। एक स्कूल रहता तो वो अलग बात रहे। जल्दी ले बाबू, आया थोड़ा थोड़ा समझ में सपना? यस सर। हाँ भोले, जल्दी लिखे, जल्दी लिखे, आज तो आप लोग का छुट्टी है जी। है ओमबीर सर, आप बैच का वीक टेस्ट लेते हैं? यस सर। आया समझ में भोला? यस सर। तो कोई भी क्वेश्चन रहेगा बैलेंस करना, जल्दी लिखो जी। अगला कौन सा बताएं? पांच गो वाला कन्हे, एक गो पांच गो वाला होगा, पांच गो एगो में होगा बाबू, यहाँ पांच गो ना, एक दो तीन चार गो है, पांच गो वाला कोई नहीं है जी, पांच गो रहेगा, हम लोग एबीसीडी ई तक मान लेंगे, पांच गो वाला लिखते हैं, कॉपर को कॉपर ऑक्साइड, पांच गो वाला लिखते बाबू। अगर 27 तक रहेगा तो सर, अल्फाबेट तो 26 तक ही हो जाता है सर। एक उतना नहीं देता बाबू, तीन या चार गो देगा, ज्यादा नहीं देगा उतना से ज्यादा। प्रधान वीडियो कैप बंद चालू कर रहा है जी, छुट्टी है ना शिवानी, एकदम शिवानी का आज तो मस्ती है, दिन भर मस्ती करेगी कि नहीं शिवानी? अरे 20 और कुछ नहीं मान सकते हैं। अरे कुछ मानो ना जी, एक्स वाई जेड मान लो, दिक्कत क्या, एक्स वाई जेड मान लो, एक देख एक्स वाई जेड, कुछ कोई भी कुछ मानने में क्या, कुछ मानो फालतू के बाद कुछ मानो, वैल्यू निकालो। 18 नंबर क्या वो सर, आप बोले आज कखनी टाइम है? बोले कल ही है ना शाम को, जी मैंने टाइम मिलेगा बाबू, आज टाइम कहाँ है, अभी दूसरा दूसरा बच्चा सब आएगा। 18 नंबर कल कहाँ जाओगे? नहीं सर, मतलब कल कहीं जाए। हाँ बोलो ना, कल सर आ जाइए, हमें मना के 17 नंबर हुआ ना जी, 18 नंबर होगा ना बाबू, कॉपर ऑक्साइड को 76 तो सब दिया हुआ है प्लस H2O, तो दिन भर बैठ के करेगा का? देखो इसमें पांच गो है सर, तो लास्ट का दो दो को तो बता दीजिए सर, 14, 16 और 17। अच्छा ठीक है, बात है, पहले देखो इसमें कै गो है। अरे सदन शांत रहो, इसमें कै गो है बाबू, कै गो, इसमें पांच गो है, इसमें कितना बाबू, पांच है, पांच है ना, ठीक। तो फर्स्ट मेथड से करोगे तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो फर्स्ट मेथड से करोगे तो पहले फर्स्ट मेथड करो, फर्स्ट मेथड से हो जाएगा वो, जोड़ जोड़ के करना जी फर्स्ट मेथड से बाबू, आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाना, बैठ के आज करोगे दिन भर क्या, प्रैक्टिस करो, अभी 25-30 क्वेश्चन और है। देखो कैसे करना, कॉपर ऑक्साइड बाबू प्लस अमोनिया है, क्या बनेगा, कॉपर बनाता है प्लस नाइट्रोजन बनाता है प्लस पानी निकाल देता है ना, ठीक ठीक सर। अब इसको आपको क्या करना है, सोल्व करना है। कौन गया जी, दूगो बच्चा कौन गया भोला? ओमबीर, शुभ, शिवानी, सपना, प्रधान आया, एगो तो सौम्या का पापा जी से बात करेंगे आज। हम लोग पहले किसको करेंगे सर, कॉपर को देखो, कॉपर का आइटम एक आइटम, इधर भी एगो हो गया बैलेंस। कॉपर के बाद नाइट्रोजन देखो, नाइट्रोजन इधर एगो, इधर नाइट्रोजन का एगो दूगो, तो इधर नाइट्रोजन दो गो है, इधर नाइट्रोजन एक गो है, तो इसको दो गो बनाओ, दो से मल्टीप्लाई करो, नाइट्रोजन हो गया है ना, ठीक हो। नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन देखेंगे, ऑक्सीजन एक आइटम, इधर ऑक्सीजन एक आइटम, हो गया बात बराबर। अब हाइड्रोजन बच गया, हाइड्रोजन कई गो है, तीन गो हाइड्रोजन और दो इधर, छो गो इधर, हाइड्रोजन तीन गो है, दो गो है, तो छो गो कैसे बनेगा, तीन से यहाँ मल्टीप्लाई करो,
अब जैसे तीन से हाइड्रोजन मल्टीप्लाई करोगे तो उसके बाद फिर से बाबू आपको चेक करना पड़ेगा शुरू से कि सब बैलेंस है कि नहीं, गड़बड़ हो जाता है जब जब मल्टीप्लाई करोगे, आपको शुरू से फिर से चेक करना, ठीक है ना। कॉपर एगो सर, ऑक्सीजन सर, नाइट्रोजन सर दो गो सर, यहाँ नाइट्रोजन दो गो सर, ठीक, ऑक्सीजन सर इधर एगो सर, और इधर ऑक्सीजन कई गो हो गया, तीन गो हो गया, ऑक्सीजन इधर तीन गो हो गया ना भोला, इधर ऑक्सीजन क्या हो गया, तीन गो हो गया, इधर ऑक्सीजन एक गो, तो तीन गो इसको कैसे बनाएगा, तो तीन गो बनाने के लिए यहाँ तीन से मल्टीप्लाई करो। अब तीन गो जैसे ऑक्सीजन बनाए बाबू, तब पुनः कॉपर चेंज हो गया, तो कॉपर अब तीन गो हो गया, तो कॉपर अब इधर बैलेंस करो, इधर तीन गो कॉपर बनाओ, ऐसे थकते रहो। अब कॉपर अब चेक करो, हुआ जी, कॉपर तीन गो, कॉपर तीन गो, ऑक्सीजन तीन गो, ऑक्सीजन तीन गो, नाइट्रोजन का एक गो दो गो, नाइट्रोजन दो गो। अब आ गया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तीन दूनी छो गो, इधर हाइड्रोजन कितना छह गो। तो इस तरह से क्या करते हैं हम लोग, बैलेंस करते हैं ना, बैलेंस करते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड से। पहले हमने क्या किया, कॉपर को बैलेंस किया, नाइट्रोजन को किया, और जब जब एक कुछ नंबर लिखोगे, कुछ एक दो तीन लिखोगे तो फिर शुरू से चेक करना, जब जब कुछ लिखोगे तो फिर से सारे एलिमेंट को चेक करना है कि सब बैलेंस है कि नहीं, जैसे जैसे घटेगा वैसे वैसे करते चलना। तो इस तरह से आपका हो गया सेकेंड मेथड हीट एंड, सेकेंड मेथड लिखो, सेकेंड मेथड बोला, नेक्स्ट बाबू कॉपर ऑक्साइड है प्लस अमोनिया है, क्या बनेगा, कॉपर बनेगा प्लस नाइट्रोजन बनेगा प्लस H2O बनेगा, एबीसीडी मान लो। सेकेंड मेथड में क्या एबीसीडी मानना रहता है कि ये हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ये ई हो गया। हर एक एलिमेंट के लिए क्या लिखो, इक्वेशन लिख दो, जान के दिए पांच गो वाला, हर एक एलिमेंट के लिए क्या लिखेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे। तो कॉपर, कॉपर के लिए क्वेश्चन लिखो, ए वो कॉपर ए है, इधर कॉपर कितना है सी है, तो ए बराबर सी हो गया। ऑक्सीजन के लिए लिखेंगे, कितना ऑक्सीजन है ए है, इधर ऑक्सीजन कितना है ई है, तो ए बराबर ई हो गया। नाइट्रोजन के लिए लिखेंगे, नाइट्रोजन इधर कितना है बी है, इधर नाइट्रोजन कितना है टू डी हो गया, नाइट्रोजन हो गया बाबू। हाइड्रोजन के लिए लिखेंगे, तीन बी है हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन इधर कितना ई है, टू ई हो गया। अब सबसे ज्यादा बार कौन आया वो देख लो, ई एक बार दो बार, ए दो बार, है ना, सबसे ज्यादा बार कौन है बाबू, बी कितना बार आया है, दो बार है, सब दो दो बार है, सब लगभग दो दो बार है, तो किसी एक को वन मान लो, किसी एक को वन मान लेंगे, लेट बाबू किसी को मान लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सी सबसे ज्यादा है, कौन सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा एक बार ही है, दुई बार ही है ना जी, दुई बार आता ही, एक बार यहाँ एक बार यहाँ, ए बराबर कितना मान लेते सर, वन मान लेते, लेट ए बराबर वन, तो ए बराबर वन मानोगे तो इसे यहाँ से पुट करो, वन बराबर सी, तो सी बराबर कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा, और ए बराबर वन माने हो तो वन बराबर ई, तो ई बराबर कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा, बी बराबर ई बराबर वन हो गया, यहाँ से पुट करो भोला, फिर बी बराबर कितना, टू इंटू वन, तो बी बराबर कितना हो जाएगा, टू बाई थ्री हो जाएगा, है ना। हाँ सर, अब बी की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, डी की वैल्यू निकलेगा, यहाँ पे पुट करो बाबू, टू बाई थ्री बराबर टू डी, दो दो मर गया तो डी बराबर कितना, एक बटा तीन हो गया। सारे का वैल्यू रख दो, इक्वेशन में सारे का वैल्यू रख दो। अब प्रधान, प्रधान कहाँ चल गया था जी, कहाँ भी चल गया था भला, मैसेज आ गया था कि प्रधान लीव द क्लास, काहे लीव क्या था जी, सर आवाज नहीं आ रहा था, कोई सी सी टू प्लस एच टू। अब जो जो भाई लू आया सर उसको लिखेंगे, सी यू के बगल में क्या ए है, ए बराबर कितना है, वन है, तो वन लिख दो,
एनएच थ्री के बगल में बी है, बी की वैल्यू कितना है सर, बी की वैल्यू 2/3 है तो 2/3 लिख दो। सी यू के बगल में सी है तो सी की वैल्यू कितना 1 है, 1 लिख दो। एन टू के बगल में डी है, डी की वैल्यू 1/3 लिख दो। एच टू के बगल में ई है, ई की वैल्यू कितना 1 है, 1 लिख दो। अब इसमें हम लोग किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि डिनोमिनेटर से हट जाए, किससे मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर से 3 हट जाए, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे डिनोमिनेटर से 3 क्या होगा, हट हो जाए, हट जाएगा डिनोमिनेटर से हमको। हम इसको फ्रैक्शन में भी रखेंगे तो ये तो बैलेंस ही है। हाँ बैलेंस ही है, फ्रैक्शन में भी रखोगे तो बैलेंस है, लेकिन हम लोग फ्रैक्शन में ना रखते, ठीक है ना। आइटम कभी बाबू 2/3 नाइट्रोजन आइटम ना होता है ना, आइटम कभी इसमें ना होता, 0.6 आइटम ना होता, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर से हट जाएगा, तो 3 Cu + 2 पैरिस का केमिकल फॉर्मूला में कैसे रहता है, नाइट्रोजन का है, यहाँ से 3 हटेगा तो N2 बन जाएगा और यहाँ से 3H2O बन जाएगा, है ना। तो ये आपका हो गया बैलेंस, यहाँ भी 3 हो जाएगा, भोला 3 मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ भी 3 हो जाएगा। चलो और पढ़िएगा जी, बाकी सब कहिएगा कल है। पहले सोडियम में पानी डाल, अच्छा ठीक है, डाल रहे हैं बोला डाल रहे हैं, शैतान। ऐसे आज आप लोग साथ